स्टूडेंट हम लेक्चर 8 स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर 8 के अंदर हम डिवीजन को डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिवीजन किस तरह होती है। इसका पहला सवाल है हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 33 बाय 3x। हमें क्या करना है फर्स्ट पार्ट में, हमें 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 33 को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 3x। हम इसको किस तरह डिवाइड कर सकते हैं? हम इस 3x को हर टर्म से अलग अलग क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x प्लस का 12x डिवाइडेड बाय 3x और क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 33 डिवाइडेड बाय 3x। अब स्टूडेंट कुछ कैंसिल हो रहा है तो ये हो जाएगा 3 1 3 3 3 9। तो न्यूमिनेटर में आ गया 3। x की पावर ऊपर कितनी है? 2 और नीचे कितनी है? 1। तो ज़्यादा वाली में से कम वाली पर क्या कर देंगे? कैंसिल। और जब 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? x की पावर 1 और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा है। इसके बाद है प्लस 3 1 3 3 4 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और एक्स एक्स स्टूडेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसके बाद क्या है? 33 डिवाइडेड बाय 3x। तो हम क्या करेंगे? हम 3 से 33 को कैंसिल कर देंगे। 3 1 3 और 3 11 33, तो 11 आ जाएगा एज इट इज और अपॉन में क्या आ जाएगा? x। और ये क्या हो गया हमारा आंसर। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है इसका x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस 5 और हमें इसे किससे डिवाइड करना है? x स्क्वायर से। तो स्टूडेंट हम कैसे डिवाइड करेंगे? जिस तरह हमने पहले वाले सवाल को किया था, हम x स्क्वायर को हर टर्म से क्या कर देंगे? अलग अलग डिवाइड कर देंगे। जब अलग अलग डिवाइड करेंगे, जब हम इसको अलग अलग क्या करेंगे स्टूडेंट डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 10x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा? प्लस का 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे कितनी है? 2। तो ज़्यादा वाली में से कम वाली क्या हो जाएगी? माइनस। जब 3 में से हमने 2 माइनस कर दी तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस का 5 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसके बाद है प्लस 10 और x की पावर 2 में से एक एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में एक एक्स बचेगा प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज। स्टूडेंट यहाँ पे एक स्टेप और कर सकते हैं, वो स्टेप क्या हो सकता है? के हो जाएगा एक्स माइनस का 5 प्लस 10। एक्स यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड। ऊपर आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। यहाँ पे पावर क्या है? यहाँ पे प्लस का 1। तो ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा? ये एक्स की पावर माइनस का 1। बिल्कुल इसी तरह ये हमारे पास हो जाएगा 5 और एक्स की पावर में क्या आ जाएगा? माइनस का 2। स्टूडेंट दो सवाल हो गए। थर्ड क्या है हमारे पास? थर्ड है 4 डिवाइडेड बाय 7x स्क्वायर बाय 32 डिवाइडेड बाय 21x की पावर 5। स्टूडेंट किस तरह डिवाइड करेंगे? ये हो जाएगा 4 अपॉन 7x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, हमें इसको किससे डिवाइड करना है? हमें इसको डिवाइड करना है 32 डिवाइडेड बाय 21x की पावर 5 से। स्टूडेंट ये एक टर्म थी हमारे पास डिवाइडेड बाय, ये एक टर्म है हमारे पास।
ये 4 डिवाइडेड बाय 7 एक्स स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज। ये टर्म डिवाइड हो रही है पर आगे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी साइड पलट जाएंगे। ये 32 डिवाइडेड बाय 21 एक्स की पावर 5 था, ये ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा, 21 एक्स की पावर 5 आ जाएगा ऊपर और 32 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। जब भी कोई चीज़ डिवाइड हो रही होती है हम उसे ऊपर लेके आते हैं तो उसकी फ्रैक्शन क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमिनेटर में आ जाता है, जो न्यूमिनेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। अभी स्टूडेंट कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 1 4 4 8 32 7 1 7 7 3 21 तो ऊपर क्या बचेगा स्टूडेंट, 3 1 3 एक्स की पावर कुछ कैंसिल हो रही है, यहाँ पे एक्स की पावर 5 है, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है 2, तो जब 5 में से 2 माइनस करेंगे स्टूडेंट कितने बचेंगे, एक्स क्यूब बचेंगे। और स्टूडेंट नीचे क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में बचेगा 8 और ये क्या हो गया हमारा आंसर। स्टूडेंट अब हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 7x एक्स माइनस का वाई बाय एक्स माइनस का वाई, इसे भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास स्टूडेंट, पार्ट 4 में हमारे पास लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 7x माइनस वाई, और किससे हमें डिवाइड करना है स्टूडेंट, इसको एक्स माइनस वाई से। हम दोनों टर्म से एक्स माइनस वाई को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट टर्म क्या थी हमारे पास, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसे हम किससे डिवाइड कर देंगे, एक्स माइनस वाई से। इसी तरह 7x माइनस वाई को भी हम किससे डिवाइड कर देंगे, एक्स माइनस के वाई से। इसके बाद स्टूडेंट क्या होगा, देखें एक्स माइनस वाई के होल के ऊपर पावर कितनी है 2 और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वाई के होल के ऊपर पावर कितनी है 1, तो हम इस 2 में से इस 1 को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो जब पावर 2 में से 1 कैंसिल करेंगे तो ऊपर हमारे पास बचेगी एक्स माइनस वाई की होल पावर 1, और स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा स्टूडेंट एज इट इज, और एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट एक्स माइनस वाई प्लस 7 और ये क्या हो गया हमारा आंसर। इसके बाद वाले पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में स्टूडेंट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डिवाइड किससे करना है, एक्स प्लस वाई से। स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक फॉर्मूले की हिंट देनी होगी, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और होल डिवाइड में हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एक्स प्लस वाई। कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, एक्स माइनस का वाई और ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो स्टूडेंट ये लेक्चर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है अपने लेक्चर में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ये वाला लेक्चर यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। Thank you.